हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 108। आपको मिलेगा ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या पढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जनरली हम देखते हैं कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब देखो, कंपेयर करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, H2O एल्कोहल एंड दिस इज ईथर। तो देखो, ये है वाटर, सेकंड इज एल्कोहल एंड थर्ड वन इज ईथर। तो यहां पे जो वाटर होता है, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो, ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकता है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे कम होगी क्योंकि एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, इन दोनों के थ्रू हो सकती है। और यहाँ पे बहुत कम होगी क्योंकि ये बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ होने नहीं देते, तो इसमें सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ईथर में सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होगा या इवन नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो इसका ऑर्डर हो गया 1, 2, 3। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेकंड देखो, ये ग्रुप आ गया आपके पास जिसमें तीन OH ग्रुप है, तो यहाँ पे तीनों जगह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। यहाँ पे दो OH ग्रुप है तो इसमें दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और इसमें एक ही OH है, तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका और लास्ट में वन वाले का। तो ये एल्कोहल का एग्जांपल है, इसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक। ट्राई का मतलब तीन, ट्राई मींस तीन, और हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, हाइड्रिक। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें डाईहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक, और ये आपका मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। ऐसे देखो, एमाइन, एमाइन ग्रुप होता है RNH2, R होता है एल्काइल ग्रुप, R एल्काइल का मतलब जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इसका कुछ मतलब नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है। तो देखो, इसमें एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके पास होगा। इसमें एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है, तो इसके बाद इसका नंबर है, और इसमें केवल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के थ्रू ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसमें सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका, इसके कहते हैं प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी एमाइन का, और फिर लास्ट में टर्सरी एमाइन का। कैसे कहते हैं हम इसको प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब जिसमें एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी, जिसमें दो एल्काइल ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी, और जिसमें तीन एल्काइल ग्रुप अटैच है तो टर्सरी। अब एल्काइल ग्रुप तो कोई रोल करता नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से बनाएंगे, केवल ये दोनों, इसमें यहाँ और इसमें ये। तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है इसका, देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो प्राइमरी एमाइन का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, और लास्ट में टर्सरी का। ऐसे देखो, नेक्स्ट है आपको दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, बोलेंगे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पॉसिबल है ज्यादा। देखो, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, इसमें दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, इसमें एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज़्यादा होता है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड, ठीक है। इन जनरल हम क्या देखते हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो हम किस चीज़ को देखते हैं, जैसे ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 15 क्या होता है, देखो नारियल पानी आज सब बिके, ठीक है, ऐसे छोड़ देते बी आई को। अब इसका हाइड्राइड का मतलब इसमें तीन हाइड्रोजन लग गए, तो हम बोलेंगे बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में क्या होता है कि जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन जनरल केस में, जितना उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि
क्योंकि मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वैंडरवाल फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना एरिया ज़्यादा उतना वैंडरवाल फोर्स भी ज़्यादा, उतना वैंडरवाल फोर्स ज़्यादा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका बॉलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है, एस बी का, एंटी मनी का। तो होना क्या चाहिए था, ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर में चेंज हो जाता है। सबसे बड़ा साइज देखो एस बी का, एंटी मनी, उसके बाद आर्सेनिक का, उसके बाद फॉस्फोरस का, और सबसे छोटा साइज होता है नाइट्रोजन का। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होना चाहिए था, एस बी का, लेकिन होता क्या है, ये यहाँ से जंप मारता है नाइट्रोजन और वो बोलता है कि मैं सबसे आगे हूँ, नंबर वन। अब बोलेंगे ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा हो जाता है। यही लॉजिक है इसका, बस बाकी सीक्वेंस सेम है, बाकी के लिए तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा हर एक के लिए, लेकिन यहाँ पे अमोनिया का ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसी देखो सेम केस किस केस में होता है, ग्रुप 16 के केस में। ग्रुप 16 कौन सा है, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो ग्रुप 16 भी आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा ओल्ड स्टाइल से टेपो, यानी ओ एस ओल्ड स्टाइल से टेपो, पी ओ को नहीं दिखाते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दो सब में, इसकी वैलेंसी दो होती है तो दो हाइड्रोजन लगेगा, उसकी वैलेंसी तीन होती थी इसलिए तीन हाइड्रोजन लगते हैं, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन कम्प्लीट होता है। अब देखो जिसका बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज किसका है, टी ई का, उसके बाद एस ई का, उसके बाद सल्फर का, और सबसे छोटा साइज होता है ऑक्सीजन का। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए था, अभी मैंने बताया जितना मोलर मास ज़्यादा होगा या साइज ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ऑर्डर ये होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हुआ, वाटर ने यहाँ से जंप मारा लास्ट से, और ये वाटर सबसे पहले पहुँच जाता है H2O। अब वो बोलेगा बताओ वाटर का क्यों हो गया ज़्यादा, होना चाहिए था इसका ज़्यादा, रीज़न क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है इनके कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन ऐसे आएगा। देखो 17 ग्रुप में, 17 ग्रुप क्या है, फिर कल बाहर आई, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दो सब में हाइड्राइड के लिए HCl। अब सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का सबसे बड़ा है, फिर Br का साइज, ठीक है, उसके बाद Cl का, और सबसे छोटा साइज है फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था, I का, क्योंकि जितना बड़ा साइज उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना सरफेस एरिया ज़्यादा, उतना वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो ऑर्डर ये होना चाहिए था। तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर HF का। लेकिन होता क्या है, फिर ये जंप मारता है यहाँ से आगे, कहता नहीं मैं लास्ट में क्यों, इसका सबसे ज़्यादा होता है, एबनॉर्मली हाई हो जाता है, एबनॉर्मली हाई, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HF, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो होता क्या है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है, एबनॉर्मली हाई, वो बोलेगा बहुत ज़्यादा, होना चाहिए था चलो थोड़ा बहुत होता तो भी चल जाता, लेकिन HF का एबनॉर्मली हाई क्यों हो गया, एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो रीज़न क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उन्होंने देखा कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये रीज़न है इसका। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब देखो एक और इफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो करता है सॉलिबिलिटी पे। तो क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई पोलरिटी नहीं होती है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो जनरली ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन एल्कोहल, एमाइन, एसिड, ये सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में, वो कहेगा। तो आंसर क्या है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वो कहता है जो वाटर होता है ये वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, कौन, एल्कोहल, दूसरा एमाइन और तीसरा वाटर।
यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वो वाटर में सॉल्युबल होगा। लेकिन इन जनरल अगर मैंने सिंपल ले लिया तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा किसी भी हालत में। जैसे मैंने कहा CH4, तो CH4 मींस मीथेन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे ये H और O के साथ, तो यहाँ पे जो कार्बन होता है ये कार्बन इतना चार्ज डेवलप ही नहीं कर पाता कि हाइड्रोजन पे चार्ज हो, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाता। और अगर चार्ज डेवलप नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आयंस के बीच में होती है, तो इसके पास तो चार्ज है लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन वो कहता है अल्कोहल क्यों होता है? अल्कोहल भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एमाइन क्यों होते हैं? एसिड क्यों होते हैं? तो उसका रीजन क्या है? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे है? देखो एक बार बता देते, जैसे अल्कोहल है आपका, अल्कोहल कैसे बनेगा? अल्कोहल है R और यहाँ पे OH, ठीक है। अब वाटर में डिजोल्व करो, यहाँ पे फिर बॉन्डिंग बना दो HOH। फिर अल्कोहल का कैसे जुड़ेगा? ये यहाँ पे OH और ये R, अब देखो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। जैसे मैंने कहा अभी प्राइमरी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि NH2 ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। इसमें देखो सेकेंडरी एमाइन कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, और टर्सरी बहुत कम हो जाएगा क्योंकि अब नाइट्रोजन ही बचा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, और वो भी इसमें बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं जो सपोर्ट नहीं करते। आर मीन्स एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3, C2H5, C3H7 एसेट्रा। तो जितना क्या होगा, आर ग्रुप बड़ा होगा उतना सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा मतलब ये नीचे लग गया। अब ये यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसमें देखो इंट्रा मॉलिकुलर यानी मॉलिक्यूल के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए। अगर मैंने इसमें वाटर डाला H2O, तो इसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये किसके साथ अटैच हो सकता है? इसके साथ हो सकता है अटैच, कम होगा। बाकी ये तो इसके साथ हो सकता था, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, बाइंड हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसके पास तीन ऑप्शन है, देखो इसमें ये ओ भी है, ये ओ भी है, यहाँ भी ओ एच है, तो इसके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दिखाता हूँ आपको एक बार। जैसे हमने पैरा बनाया, पैरा कैसे है? एन डबल बॉन्ड ओ ओ, ये बन गया, यहाँ से रिंग बन गया, ठीक है, और ये ओ एच हो गया ओ एच। अब देखो अगर वाटर आ गया तो वाटर इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है एच ओ एच, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है एच ओ एच, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है एच ओ एच। तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसमें अटैच हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी बन सकता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ सकता है ओ एच ओ। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में जब इंटर मॉलिकुलर हो गया, देखो अब क्या हुआ, इसमें से ये तो बहुत ज़्यादा बना रहा है क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जिसमें इंट्रा मॉलिकुलर होता है, इंट्रा मॉलिकुलर में क्या हुआ, देखो ये और ये दोनों तो आपस में बाइंड अप हो गए तो बना नहीं सकते हैं। अब बचे कौन, ये और यही तो बचा। तो क्या होगा, इसका जो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा क्योंकि वही फंडा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बन पाएगी। बॉइलिंग पॉइंट कम बनेगा तो वोलेटाइल ज़्यादा होगा। वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर्स में कन्वर्ट करना। इसके वेपर जल्दी बन जाएंगे, ये आराम से टूट जाएगा,
इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। और ये वोलेटाइल जल्दी नहीं होगा, ये वाला जल्दी हो जाएगा। तो इंट्रा वाले की क्या खास बात है, जल्दी वोलेटाइल होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और सॉलिबिलिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो जिसमें भी इंट्रा मॉलिकुलर होगा उसमें ये चीज़ें कम हो जाएंगी, लेस, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पे चिलेट फॉर्म होता है, चिलेट मतलब ये रिंग फॉर्मेशन, आगे देखो ये इस तरीके का बड़ा कंपाउंड है, यहाँ पे रिंग बन गई, 5 to 6 मेंबर रिंग बन गए, देखो ये पूरा कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा है, जहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये और ये डॉटेड लाइन है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखो ये पूरा रिंग फॉर्मेशन हो गई है, इसे कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेट एक वर्ड आता है, मीन्स रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है और 5 to 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बना दी ऐसी, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो वो वाले कंपाउंड थे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का बन रहा है, ठीक है। लेकिन इन जनरल केस में क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरीके से ये कंपाउंड ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, स्टीम वोलेटाइल। देखो स्टीम वोलेटाइल, स्टीम का मतलब जैसे आपने इसमें स्टीम पास की, ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आपने केवल स्टीम पास आउट की और स्टीम से ये क्या होगा, वोलेटाइल बन जाएगा, इसके वेपर्स बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि ये तो इंगेज है, यहाँ पे ये O और ये H आपस में कंबाइंड है, तो इसको तोड़ना आसान है। किसको, जैसे ये बनाया मैंने आपको, इसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुई, देखो OH है, CHO है, ऐसे करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे देखो ये ग्रुप बना आपके पास और होता क्या है, ये बेंजीनिंग बना देना इस तरीके से, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CHO, तो CH and O, तो O में डबल बॉन्ड, H इधर। अब इन दोनों ने आपस में क्या करी, बॉन्डिंग बना दी, H और ऑक्सीजन ने मिलके, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। एक बार फिर से बना देता हूँ, देखो ये अपने बेंजीनिंग बनाई, ठीक है, इसमें यहाँ पे O और ये H, ठीक, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H। अब इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग बना ली, अभी बॉन्डिंग बना ली तो अब इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके या इसके थ्रू बना सकता है, तो कम है एज कम्पेयर टू अदर। तो इसका ये स्टीम वोलेटाइल होते हैं, स्टीम का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे स्टीम पास आउट कराई, स्टीम को जैसे ही पास आउट कराऊंगा ये स्टीम के साथ बाहर निकल जाएंगे कंपाउंड से, तो इस उसे कहते हैं स्टीम वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स बन जाएं, वेपर्स इसके आराम से बन जाते हैं, जैसे मैंने स्टीम पास करी ये वेपर्स बन के उड़ जाएगा, तो उसे कहते हैं स्टीम वोलेटाइल। तो ये ग्रुप क्या होते हैं, स्टीम वोलेटाइल होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ईजिली इसके वेपर्स बन जाते हैं, इसको तोड़ना आसान होता है, ठीक है। तो ये वेपर्स बन के जल्दी से उड़ जाएंगे बाहर, तो स्टीम भी आप पास आउट कराओ तो ये उसके वेपर्स जल्दी निकल जाएंगे। अब देखो कीटोन और एल्केन होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम कहें कि वाटर में इनसॉल्युबल है, क्यों, तो उसका एक ही आंसर है, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल नहीं है, क्यों, तो उसका एक ही आंसर है, बस अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो मॉलिकुलर वेट है, कुछ कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट क्या होगा, डबल हो जाता है, एक्चुअल से ज़्यादा हो जाता है, क्यों, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल ही देता हूँ, क्योंकि आपके पास कम ही एग्जांपल हैं, उसी का मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ये एथेनोइक एसिड CH3COOH, ये दो एथेनोइक आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, दिखाता हूँ आपको करके। जैसे देखो एथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, अब उसका मॉलिकुलर वेट निकाला गया वाटर में H2O, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब हमने एथेनोइक एसिड को लिया था तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना आएगा, देखो मॉलिकुलर वेट इसका आता है कि एक और दो कार्बन है तो 2 into 12, ऑक्सीजन के भी दो हैं तो 2 into 16, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 हैं तो प्लस 4 into 1, तो टोटल कितना आ गया, लगभग
ये हो गया 60, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था वो आ रहा था 120। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट 120। तो उन्होंने देखा कि जो एथेनोइक एसिड है ये दूसरे एथेनोइक एसिड के साथ कंबाइंड हो जाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, देखो ये यहाँ पे HO, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, अब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पे CH3। एक एथेनोइक एसिड ये हो गया, एक एथेनोइक एसिड ये हो गया। तो कहता है कि दो एथेनोइक एसिड आपस में कंबाइंड हो जाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइंड हो गए और इसे कहते हैं, दो मिल गए तो इसे कहते हैं डाई मर, टू पार्ट। मर मीन्स होता है पार्ट, मर मीन्स पार्ट और डाई मीन्स टू। तो दो क्या होते हैं, इसमें दो पार्ट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, उसे कहते हैं डाइमर बना देना, डाइमर यानी दो पार्ट आपस में कंबाइंड हो गए। तो उन्होंने देखा इसका मोलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट डबल हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या के थ्रू, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए। तो एक ही एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है इसमें आपके पास, सेकेंड एग्जाम्पल जो इसमें है वो है ये वाला HCO3-। अब देखो ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ O, और इसमें भी क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O O-OH। देखो इस O और इस H के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस H और इस O के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल इसमें ये था, एक मॉलिक्यूल इसमें ये था, अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये डाइमर फॉर्म करता है, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, डबल हो गया, होना चाहिए था कम और हो गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आया, डबल आया। तब उन्हें समझ में आया कि किसकी वजह से हुआ ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका डाइमर का किस्सा है जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डबल हो सकता है। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्डिंग फॉर्म करता है, देखो 1, 2, 3 एंड 4, चार। देखो ये वाटर बनाया मैंने, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन हो गया, फिर ये ऑक्सीजन भी दो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ओवरऑल कितने हो गए, देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये चार क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। तो चार मॉलिक्यूल से, ये चार वाटर के मॉलिक्यूल से भी सराउंडेड होता है, ध्यान रखना। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। अगर आइस फॉर्म में जब आपको बताया था वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये चार वाटर के मॉलिक्यूल से क्या होता है, सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ऐसी क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ HF। अब देखो एक HF आपने ये बनाया, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर एक HF ये बनाया, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक के बीच में कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 2 बॉन्ड, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा HF। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो, पर आपको ध्यान रखना उसे मिडिल में रखना है, साइड में नहीं, मिडिल से देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा, हम कहेंगे कौन ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसके लिए देखो क्या होता है, ये एक बॉन्ड है जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, और एक डॉटेड लाइन के थ्रू बनता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है सीधी सी बात है ये कमजोर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होता है। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपका 200 किलो जूल पर मोल, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, लगभग ये होगा आपका 42, यानी 2 से 10 किलो किलो कैलोरी, मतलब 42 किलो जूल पर मोल के आसपास, ठीक है। और ये 2, 4, 8, 10 के आसपास होगा। तो इतने से इसके बीच में इसका क्या होता है, बॉन्डिंग का फोर होता है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है 42 तक मैक्सिमम।
तो ये कमजोर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है ना, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये फिक्स बॉन्ड बन गया, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, इसमें जो ये बी वाला पार्ट है जो हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और जिसके थ्रू ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, ताकि ये अपना लोन पेयर जल्दी प्रोवाइड करा दे, इसको जल्दी दे दे अपना लोन पेयर। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, अपने लोन पेयर को जल्दी नहीं कर पाएगा प्रोवाइड। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको स्ट्रेंथ चेक करना है तो आपको दो चीज़ देखनी है, पहला इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत होना चाहिए, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। अगर जिस केस में ऐसा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अब कंपेयर करते हैं, देखो पहला ये देखो OH यहाँ पे N लगाया, यहाँ पे O लगा हुआ है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड किसका ज़्यादा बनेगा, इसका। क्यों, देखो ये OH पार्ट और ये OH पार्ट सेम हो गया। अब मैंने क्या कहा था, A वाला जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू दिस वन। सेकेंड में देखो, अब सेकेंड में मैंने लिखा HFN, यहाँ पे लिख दिया HFO। ठीक है, अब किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, यानी ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा बजाय इसके। थर्ड में चेक करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा HNF और यहाँ पे लिख दिया मैंने HOF। अब देखो सेम कौन सा है, ये वाला पोर्शन सेम हो गया, ये वाला पोर्शन सेम हो गया, तो मैंने कहा कि ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये वाला एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन और फिर लास्ट में नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, यहाँ पे इस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़्यादा बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू दिस वन। तो फाइनल ऑर्डर है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कैसे कंपेयर करना है, देखो पहले OH, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वो N से कनेक्ट हो रहा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद देखो OH है, ये O से कनेक्ट हो रहा है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, देखो NH ये और कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएगा, तो इसकी कम हो गई। नेक्स्ट देखो NHO, अब यहाँ पे देखो NH, ये भी NH, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये बन रहा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इस ऑक्सीजन से, इसीलिए यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इससे। तो इसमें कंपेयर करने के लिए आता है, तो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट पे जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कब, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, देखो एक्सेप्शनल केस क्या है, कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो जो क्लोरोफॉर्म होता है और एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि जो लैंग्वेज है जो हमने अभी तक बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है पॉसिबल, लेकिन होता क्या है, देखो क्लोरोफॉर्म होता है, उसका फॉर्मूला होता है CHCl3, और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। अब इसमें क्या होता है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता है। अब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें भी क्या होगा, प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। जनरली कार्बन और हाइड्रोजन में होता नहीं है, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन में भी क्या होगा, प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, और एसीटोन में आपको पता है कि सी में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो स्लाइटली चार्ज ऑक्सीजन में भी क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ इसमें प्लस चार्ज, तो देखो आप प्लस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, होता नहीं है क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था सी एच और ओ के बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जिसके साथ कंबाइंड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस था ही नहीं, तो ये उसके अकॉर्डिंग हो नहीं सकता था। लेकिन हमने क्या किया, इस कार्बन के पीछे ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन किससे खींचा, कार्बन से। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया बहुत, तो अब कार्बन ने किससे खींचा, हाइड्रोजन से, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज जनरेट हो गया। अब इसमें प्लस हो गया, ऑक्सीजन में माइनस होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, ये पूछा गया क्वेश्चन आपका बोर्ड लेवल कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और चार ऐसे ऑप्शन देंगे जहाँ कहीं हो ही नहीं सकता, तो उसमें आपको चेक करना है। तो इसमें अगर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन होगा तो वो आपका आंसर सही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कई बार आपको बॉइलिंग पॉइंट का ही, देखो बॉइलिंग पॉइंट में H2O, HF और NH3 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा H2O का, फिर HF का, फिर NH3 का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है। होना क्या चाहिए था, HF का ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि HF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा HO के, और फिर लास्ट में HN, HN सबसे लास्ट में होगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होनी चाहिए थी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या हुआ, H2O HF से ज़्यादा क्यों हो गया, रीज़न क्या है कि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए H2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, H2 ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, वाटर तो है ही खुद, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, HF और NH3 से ज़्यादा होगा, तो ये हाइड्रोजन का लगभग पूरा पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद एक और लेक्चर मैं आपको देता हूँ जिसमें आपको जो लेफ्ट टॉपिक हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे पूरा देखो और एक बार रिवाइज करो, इसके पूरे नोट्स को लिखो। थैंक यू।